उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। मैं विक्रम पटौल, आज एक बार फिर ब्लॉक मुख्यालय कलजीकाल में दर्शकों, आज ब्लॉक मुख्यालय करें कलजीकाल में बीडीसी की बैठक होनी है और आज के दिन यहाँ पे एक बहुउद्देश्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें कि समाज कल्याण द्वारा, अन्य विभाग द्वारा जनता की समस्या यहीं पर निस्तारित कर दी जाएगी। देखते हैं जनता की समस्या यहाँ पे निस्तारण होती है कि नहीं होती, और उधर बीडीसी का भी जायजा लेंगे। आप ही मेरी बात का जवाब देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे संबंधी विभाग जो 27 विभाग है, सबको एक ही विभाग को सीट मिलनी चाहिए। आप यहाँ पे दे दीजिए, मैडम यहाँ पर बताएंगे और मेरे कार्रवाई पर लिखा होगा। कुमारी यशोदा, उसने कक्षा 5 स्कूल से, हाँ, प्राथमिक विद्यालय सकनोली, वो लड़की जो है वहाँ पढ़ी हुई है। वो लड़की 50 बार उस विद्यालय में चली गई, उसकी मार्कशीट नहीं निकल रही है। अध्यापक कह रहे हैं कि यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं। हाई स्कूल की है? नहीं सर, प्राइमरी की। जी चलो मैं देख लूंगा इसको। जी अब ये भी साथ साथ कहा गया है, नोट कर लो, उसकी मम्मी ये कह रही है कि कह रहे हैं कि 2000 रुपए दे दो, रुपए तुमको 8 का साड़ी पेपर दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं दिखवाता हूँ सर। उसमें तीन कम या तीन अतिरिक्त कक्ष मिल जाए हमें, दो दो लाख के प्रस्ताव मांगे थे सर। जी जी सर, उसमें कुछ आए हैं हमारे नहीं, पास तो दे दो ना आप, ऐसा है ना थोड़ा प्राथमिकता के तौर पे। जी जी जिन जिन और उसका जो ऑब्जेक्शन है, किसी को अगर कोई आपत्ति किया, आपने फलान का किया, मेरा नहीं किया, वो ऑब्जेक्शन का निस्तारण करिए, एक फाइनल सूची बनाइए, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स को जमा करिए। लेकिन ये प्रक्रिया बनाई नहीं जा रही, मैं बता रहा हूँ। कुछ ग्राम सभाओं में दिक्कत हो रही है, इन लोगों का है दिक्कत कुछ नहीं, अभी हमारे पास टारगेट है, अभी हमारे पास टारगेट है, बिल्कुल वो भरेंगे, वो अगर उन्होंने ला रखा है तो नीचे जमा करवा लें। ये तो अगर यहाँ से नहीं हो रहा काम, हमने ये भी चीज ना सर, ये लेटर भी आपके ब्लॉकों को भेजा हमने, अगर आपके पास फॉर्म जमा रहा, आप वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, आप पूरी सूची बना करके हमको भेजिए, हम पूरे जिले में करेंगे ऑनलाइन, उनको उनके डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाए। लेकिन ये कल्चर ब्लॉक में बीडीसी बैठक का आयोजन में जनप्रतिनिधियों के बैठक में विभिन्न विभागों पर चर्चा हुई, जिसमें जल संस्थान है PWD पर चर्चा हुई। पेयजल समस्या सबसे प्रमुख विषय रहा, सभी जनप्रतिनिधि आक्रोश में थे। मीना राणा ने जल्द से जल्द विभाग को समस्या हल करने को कहा है। इसके बाद यहां पर समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुउद्देश्यीय शिविर का ब्लॉक प्रमुख मीना राणा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। इसमें कई विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, एवं विकलांग प्रमाण पत्र एवं वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोगों ने आवेदन किया। शिविर में 20 दिव्यांग प्रमाण पत्र दिए गए एवं 2 व्यक्तियों को व्हीलचेयर, 2 को बैसाखी, 2 को छड़ी और 1 को कान की मशीन दी गई। वृद्धावस्था पेंशन के 13, विधवा पेंशन के 2, किसान पेंशन के 1 आवेदन यहां पर स्वीकार किए गए। विकलांग प्रमाण पत्र हाथों हाथ वितरित किए गए। आप सभी को यह खबर देखनी चाहिए कि हमारे विकासखंड में क्या क्या योजनाएं आती हैं। इस खबर से आप जानिए कि विकासखंडों में क्या क्या योजनाएं हैं और यहां पर किस तरह से अधिकारी लोग क्या कहते हैं। देखिए हमारी विक्रम पटवाल की है रिपोर्ट। अच्छा आप मैम, दवाइयाँ तो ये है कि जैसे कोई घाव वगैरह लग जाता है तो ये इसकी नहीं लगे, जैसे कीड़े पड़ जाते हैं उसमें भी इसको बताओ, परमु जी को समझाओ ना, परमु जी को बताओ, फोटो फोटो मत खेचो आप, समझाओ पहले क्या 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 करते हैं। मैडम तो पहली बार फोटो खींचा ना, नहीं यार कहता हूं धनवीर क्या होता है, इमीडा इमीडा
चढ़ा दो ना, चढ़वा दो इसका। हाँ, मैं नाम से हिमवंत देश हो ला तिर जोगी नारे। आओ आओ भैया बर्बादी से दिखानी चाहिए। अरे भैया ये ऐसे नहीं बताएगा। अरे भैया तो कैसे बोलेगा, ये ऐसे बताएगा। तू क्यों रोता है? आपका नाम? दीप्तो मित्रा, मैं राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संस्थान देहरादून से आ रखा हूँ। ये भारत सरकार की सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्थान है, 116 राजपुर रोड पे। ये शारीरिक दिव्यांगजन के जो व्यवहारिक उपकरण हैं, जैसे कि व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, छड़ी, कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर, वाकर, ये सारे एडिप योजना के, भारत सरकार के एडिप योजना के अंतर्गत निशुल्क प्रदान की जाती है। ये किन लोगों को आप वितरित करते हैं? ये जो दिव्यांग प्रार्थी जो 40% से अधिक विकलांग है, उन सभी दिव्यांगजनों को निशुल्क प्रदान की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम विकास भट्ट है और मेरा गाँव है भट्टी गाँव। जैसे कि आज बहुत दिन से शिविर कल जखाल में लगा, और आपने भी अपना ये कुछ स्टॉल लगाया यहाँ पे, देख रहे हैं हम कि इसमें घरेलू सामान की या जूस की या ये मूले जो आपने लगाए हैं, ये आप कहाँ से उत्पादन किया आपने? ये हमारा अपना घर का उत्पादन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अचार है, इसको हम अपने आप बनाते हैं घर में, जैसे कि मूली का हो गया, गाजर हो गया, और तिमले हैं जो पहाड़ी जो होते हैं, तिमलों का अचार हो गया, ये माल्टे का जूस है। और ये जो हमारी ये आप देख रहे हैं चुकंदर है, ये 2 किलो 900 ग्राम की हमारी चुकंदर थी, और 3 किलो का ये मूला है और 2 किलो का ये मूला है। तो हमारे सारे घर के उत्पाद है, और जो भी हमारे उत्पाद रहते हैं वो घर के ही रहते हैं और शुद्ध जैविक उत्पाद उनको हम मान सकते हैं। जैसे कि ये मूला है आपके, यार चुकंदर का काफ़ी बड़ी मात्रा में है, तो इनका उत्पादन किस प्रकार से किया आपने? नेचुरल करते हैं बस, ऐसा कुछ नहीं कि खाद वूद इत्यादि ला के कि बाहर से ला के कुछ डालते होंगे। अपने घर की जो बर्मी कंपोस्ट है उसी का जो गोबर से केचुआ डाल के, उसके बाद हमारे बर्मी कंपोस्ट पिट भी हैं और बर्मी कंपोस्ट डालते हैं, और उसी का ये आप देख रहे हैं रिजल्ट है। मतलब इसमें कोई भी बाहर की खाद ला के नहीं डाली गई। तो जैसे कि बहुत दिन से शिविर लगाता था, आपकी इसमें बिक्री भी हुई यहाँ पे कुछ? हाँ बिल्कुल हुई। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर आशीष गोसाई, आज यहाँ पे मानसिक दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिव्यांगों के यहाँ पे आए हैं। कुछ बच्चे आए भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, चल रहा है। सर आज आपने कितने सर्टिफिकेट यहाँ पे बच्चों के बनाए होंगे या लोगों के? अभी 10 के आसपास अभी नंबर हो गया, तो कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि और भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे वो जैसे लोग आ रहे हैं मानसिक विकलांग, तो उनको यहीं से आप लोग सर्टिफिकेट दे दे रहे हो? हाँ, मानसिक विकलांग क्योंकि मरीज को देख करके और उसके कार्यकलापों के बारे में उनके माँ बाप से बात करके सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। सर कल जी काल में बहुत देर से शहर में, जैसे कि आप मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, तो आपने यहाँ पे क्या देखा और कितने लोगों को यहाँ पे फायदा पहुँचा होगा? देखिए आज कल जी काल ब्लॉक मेरा पुराना ब्लॉक है, मैं यहाँ 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, और मुझे आज मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे यहाँ बुलाया गया, और जिला अधिकारी द्वारा हमारा बहुत देर से यहाँ कैंप लगाया गया, और आज मुझे भी आने का मौका मिला। और जिस तरह का स्वास्थ्य विभाग द्वारा
जो हमारे विकलांग और मनो, सबसे बड़ी बात है मनोचिकित्सक नहीं आते थे, तो आज मनोचिकित्सक वाले भी सारे डॉक्टर आ रखे थे, और जिस तरह की जो सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं बड़े अच्छे तरीके से, सभी अधिकारियों ने बड़ा अच्छा काम किया है, समाज कल्याण विभाग ने बड़ा अच्छा काम किया है, और सभी लोग आप देख रहे हैं कितनी जनसंख्या लोग आए हैं, इतने जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, और अभी फाइनल सर्टिफिकेट बने रहे हैं, तो अभी मेरे पे वो फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है कि कितने लोगों के सर्टिफिकेट बन गए हैं, लेकिन जितने भी हमारे इधर क्षेत्र की जो समस्याएं थी वो दूर हो जाएंगी और इससे बड़ा राहत मिलेगी। मैडम जो कलजीखाल में बहुत देर से शिविर लगा, इसमें कैसे रहा आज? आज हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारे ब्लॉक में ये बहुत देर से शिविर लगाया गया समाज कल्याण विभाग द्वारा, जिसमें हमारे यहाँ 20 प्रमाण पत्र बनाए गए और 11 लोगों का मानसिक प्रमाण पत्र बनाया गया, और 5 लोगों को हमारे यहाँ शारीरिक सामान दिया गया, जिसमें से एक तो व्हील चेयर थी, एक बैसाखी, और 2 लोगों को छड़ी और 1 को कान की मशीन दी गई। तो शिविर में और क्या रहा इसमें? शिविर में सब ठीक रहा है, लोगों के प्रमाण पत्र बने हैं, लोगों को जिसके लिए पौड़ी और श्रीनगर जाना पड़ता था आज वो हमारे ब्लॉक में ही बन गए हैं, जिससे लोग बहुत खुश हैं। आपका विभाग? जी सर नमस्कार, ये हमारा समाज कल्याण विभाग है, तो समाज कल्याण विभाग यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, तो यहाँ पे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में हमने जनपद के सभी 15 विकास खंडों में जो है शिविर लगाए हैं। आज 27/2/23 को जो है विकासखंड कलजीखाल में जो है यहाँ पे भी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये काफ़ी कम से कम हमारे द्वारा जो है 15 दिन पूर्व इसकी सूचना मतलब विकासखंड को दी गई थी, और प्रचार प्रसार भी किया गया था। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे मानसिक दिव्यांगों के लिए जो है स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स की टीम भी आई है, अन्य दिव्यांगों के लिए भी अन्य डॉक्टर्स भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो निश्चित रूप से तो मतलब जो ऐसे दिव्यांगजन जो वंचित रह गए हैं उनको पूर्ण पूर्ण लाभ दिया जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे जैसे आपने आज शिविर लगाया, तो यहाँ पे लोगों के सीधे पेंशन के पेंशन लगाने के लिए जो आए हैं उनको पेंशन यहीं से लग जाएगी या आगे कागज बनने पड़ेंगे उनको? नहीं, आवेदन फॉर्म तो वो यहाँ से ले सकते हैं, यदि वो पूर्ण आज ही पूर्ण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उसको जिले में ले जाएंगे, उसको अपडेट करेंगे, और वो जो है अब ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया है। तो पति पत्नी की जैसे ये लगी है कि अब पति को भी मिलने, सरकार ने किया कि पति को और पत्नी को मिलने चाहिए, पति पत्नी दोनों को ही अब 25 अक्टूबर 2022 से को शासन आदेश प्राप्त हो चुका है, तो उसमें जो ऐसे पात्र व्यक्ति होंगे चाहे वो आय प्रमाण पत्र वाले हों या बीपीएल वाले हैं, ऐसे जो अगर पति पत्नी उसमें पात्र पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो है पेंशन लगाई जाएगी, उनको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो जैसे कि मतलब कई जगह समस्या ये भी आ रही है, पति की किसान पेंशन लगी हुई है और उसकी पत्नी भी 60 साल से ऊपर उसको वृद्धावस्था के लिए आवेदन कर रही है, तो उसको पेंशन नहीं दी जा रही है, ऐसा सुनाई दे रहा है। शासनादेश में यह है पति पत्नी के लिए वृद्धावस्था के लिए शासनादेश किया गया है, यदि पति या पत्नी में से दोनों में से एक जो है वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं तो दूसरे व्यक्ति भी जो है वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होंगे, तो वो उस योजना वृद्धावस्था वालों को मिले, लेकिन किसान पेंशन वालों को? किसान पेंशन के लिए अलग से किसान पेंशन 2008 से लागू कर दी गई थी, तो वो भी संचालित की जा रही है, तो उसमें हम लोगों के लिए ये था कि जो बीपीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं या ऐसे आय प्रमाण पत्र के अंतर्गत वो जो मासिक आय वाले हैं वो वंचित रह जाते हैं, तो उनको हम जो है किसान पेंशन के अंतर्गत लाभान्वित कर रहे थे, और लेकिन उनकी पत्नियों को नहीं मिल पा रही पेंशन, तो ये तो शासनादेश के अनुसार ही चल पाएंगे। और मैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में नोडल अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं, और ये जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पिछले 2 वर्षों से जिला अस्पताल के 104 नंबर कमरे में संचालित किया जा रहा है। ये मैं आग्रह करूंगा सभी दिव्यांगजनों से कि जो जिस दिव्यांग को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो वो हमारे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में अपना कभी भी आके हमसे मिल सकता है, और साथ ही अगर किसी को किसी प्रकार के कृत्रिम अंग या उपकरण की आवश्यकता है तो वो हमारे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में संपर्क कर सकता है, उनको निःशुल्क ये सभी व्यवस्थाएँ जो हैं हम उपलब्ध कराते हैं। किसी भी प्रकार के स्वरोजगार हेतु, किसी भी प्रकार की लोनिंग के लिए या किसी प्रकार के प्रशिक्षण की यदि आवश्यकता है तो वो सभी चीज़ जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से निःशुल्क दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र ने पूरे ज़िले में लगभग 7300 UDID कार्ड जो कि विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र हैं वो ऑनलाइन कर दिए हैं, और बहुत ही जल्द हम जो हैं
लगभग सभी दिव्यांगजनों को आच्छादित करने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। इस माह अंत तक लगभग सभी दिव्यांगजनों के UDID कार्ड जो है वो बनाए जाएंगे। जयप्रणाम। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा ए जावा।